हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो शॉर्टकट की को लेकर के मैं बना रहा हूं। शॉर्टकट की में क्या सीखने वाले हैं, क्या नया है, देखिए अगर आपको एक्सेल में काम करना है और यहां पर देख सकते हैं मैंने नाम तो लिख रखा है लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम खाली छूटा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग नंबर है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वन से, और यहाँ पे जनरली क्या करते हैं आप टू लिखते हैं और वन टू लिखने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करवाते हैं। लेकिन एक और शॉर्टकट की बताता हूँ जिससे शायद आपको और भी ज़्यादा आसानी हो सकती है, अगर आप इस तरह का बड़े रेंज में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख दीजिए वन और वो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जिस रेंज तक आपको शॉर्टकट सीरियल नंबर इंसर्ट कराने हैं, तो ये वो रेंज हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट ई आई और एस। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सीरीज वाली विंडो ओपन हो जाती है। अब यहां पे कॉलम सेलेक्टेड है और यहां पर स्टॉप वैल्यू आपको देना है, तो ये वन है। ठीक है, और यहां पर लास्ट में देख सकते हैं कि अगर आपको सीरियल नंबर 15 तक चाहिए तो यहां 15 कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 15 तक ये फिल हो जाएगा, लेकिन हमें 16 तक चाहिए तो हम फिर उसी शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, अल्ट ई आई एस। ठीक है, और अब हम यहां पर दे देते हैं 16, तो 16 तक ये पूरा फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा 16 तक फिल हो गया है। आई होप कि बात समझ में आई होगी और शॉर्टकट की आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।